हेलो गाइस, तो आज हम बनाएंगे छोले भटूरे। ओके, किस जितनों को छोले भटूरे पसंद है वो कमेंट में यस लिखे, जिसको नहीं पसंद वो नो लिखे। ठीक है? हाँ, ऐसा कोई नहीं होगा जिसको पसंद नहीं होगा। चलो अब स्टार्ट कई करें। लोग होते हैं। तो हाँ चलो। ये हमने तेल डाला है हमारे हलवा हलवा वाले कढ़ाई में ही, हाँ चलेगा तो वही कढ़ाई। हाँ ओके वही ओके फ्लेवर नहीं आएगा मीठा। और ओके। ये हमने लिया है जीरा। हाँ तो जीरा डाल देंगे। ओके हमने इसके जीरा बाद। डाल दिया। अब पहले हम इसे थोड़ा सा चलाएंगे ताकि जीरा फैल जाए। ठीक अच्छे से पक जाए। है? ओके इसके हाँ, बाद। अब हम डालेंगे ये इसमें मिर्ची और क्या इसमें है मिर्ची, अदरक और लहसुन, उनको और हमने प्याज। और प्याज हाँ हमने चॉप कर उसको लिया चॉप है। कर अभी लिया हम है। इसमें डाल देंगे। और हाँ, लहसुन डाल देंगे, इसमें डाल देंगे अब ये जो इसमें है ये भी थोड़ा बाउल में से भी साफ करके डाल देंगे। ये देखिए, हमने इसमें थोड़ी शुगर भी डाली है, क्या हम गुजराती तो हम लोग थोड़ी शुगर भी डालते हैं। हाँ वो हम बाद में डालेंगे लेकिन अभी नहीं। हमने थोड़ी सी डाल दी थी, नहीं नहीं डाली थी क्या? नहीं तो ये शुगर वाला बाउल है। हाँ थोड़ी सी शुगर इसमें थी क्योंकि हमने अभी हलवा बनाया था ना, तो उसमें थोड़ी सी शुगर रह गई थी, बस वही थी। तो इसमें ये शुगर कंपलसरी नहीं है। फिर हाथ चिकने हो गए। ओके तो धो लो हाथ अपने अच्छे से। ओके क्लीन कर लो हाथ अपने। अभी इसको हम क्या करेंगे। इसमें हमें हाफ टी स्पून छोटी चम्मच नमक डाल दिया है, और फिर हम इसको इसे हिलाएंगे और चलाएंगे अच्छे से हाँ ताकि पूरा नमक इसमें लग जाए। और और अब हम स्लो फ्लेम में ढक इसको देंगे। स्लो फ्लेम में ढक देंगे। ओके चम्मच से बाहर निकाल दो। अब ढक देंगे और इसको 5 मिनट तक हम रखेंगे, बीच बीच में चेक करेंगे है ना। तो मिलते हैं जब तक ये थोड़ा कुक हो जाए। तो अब ये हमारे सारे जो हमने कट किए थे वेजिटेबल्स वो वेजिटेबल्स मतलब ये सिर्फ हमारा प्याज लहसुन अदरक और मिर्ची था, ये अच्छे से अभी भुन गया है राइट। तो अभी इसको हम क्या ब्राउनिश हो गया। अब हाँ हम टमाटर टमाटर डाल डालेंगे। देंगे। हाथ से डालोगे तो भी हाथ चलेगा। से? ठीक हाँ कोई बात नहीं, है, फिर से हाथ धोने हमने पड़ेंगे। बार बार वॉश किया है ना तो क्लीन ही है। फिर से धोने पड़ेंगे आज। कोई बात नहीं, पानी से ही धो लोगी तो चलेगा है ना। ओके तो एक मिनट हाथ धोने। हाँ हाँ धो लो। हाँ देख, ओके तो अब हम टमाटर को अच्छे से मिक्स करेंगे, भुनेंगे और फिर क्या करेंगे ढक के रख देंगे जब तक कि थोड़ा पक नहीं जाए राइट। तो आपको टमाटर ना बहुत कच्चे लगेंगे। हाँ उसका फ्लेवर एकदम कच्चापन दूर हो जाना चाहिए है ना। तो अभी इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। कर तो दिया मिक्स। हाँ तो अभी ढक के रख दो इसको। अरे अभी हम ढक के रख देंगे करीब 5 मिनट तक। ओके ओके, मिलता है जब तक ही कुक हो जाए, बाय। तो अब हम मसाले में डालेंगे नमक, छोले मसाला, रेड चिली पाउडर और आमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर। ये ऑप्शनल, आपको डालना है तो डालो, हाँ नॉट इन कंपल्सरी। और ये है जीरा धनिया, पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया धनिया पाउडर, पाउडर, गरम मसाला। गरम मस थोड़ा सा ही हाँ डालें ज्यादा नहीं डालेंगे। और हल्दी। हाँ अभी हम टमाटर चेक करेंगे एक बार। ये हाँ अच्छे से पक गए तो ये सारे मसाले डाल देंगे अंदर। पहले हम थोड़ा मिक्स कर लें। अब हम सारे मसाले एक साथ डाल दूंगी क्योंकि हाथ से नहीं डालेंगे मसाले। हाँ अभी एक हाँ मिक्स कर लेंगे और फिर स्लो आंच पे मसाले को पकने देंगे। अभी इसको हम ढक देंगे, स्लो फ्लेम में ढक देंगे। एक मिनट, ऐसे ज्यादा मसाला चिपका है। अब हम इसे स्लो फ्लेम में ढक देंगे। मिलते हैं जब तक।
मसाला सारा सब्जी में घुल ना जाए। बाय। तो ये देखिए कि मैंने ये सारे कैसे चने और आलू कैसे बॉईल किए, और ये है चाय पत्ती की पोटली। हाँ, जिसे बहुत अच्छा फ्लेवर और कलर आता है चने में। हाँ, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और ये है बॉइल्ड चने और सम बॉइल्ड आलू। ये आपको कलर लग रहा होगा कि ये खराब है, लेकिन टेस्ट में अच्छा लगता है। हाँ, ये खराब नहीं है, एक्चुअली ये चाय पत्ती का कलर है। तो अब हम ये सब कुछ जिसमें डालेंगे, ये पोटली मत डालिएगा। हाँ, वो निकाल लीजिए साइड में। और सारा जूस निकाल, नहीं नहीं उसका जूस की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी उसमें ऑब्जर्व हो गया है। डाल दिया। हाँ, तो अभी हम क्या करेंगे, इसको खोलेंगे और पूरे चने डाल देंगे। चिपकना, हाँ स्लो फ्लेम में, तो चिपकेगा नहीं, है ना। आप ट्राई कीजिए कि कढ़ाई थोड़ी मोटी ले तो चिपकेगा नहीं और अच्छे से हम सारे सब कुछ एक ओके। और देखिए, मैं आलू डालने वाली थी, पर मम्मा ने बोला कि हाँ आलू छिलने बाकी रह गए थे, तो हमने छिल लिए हैं। अभी हम क्या करेंगे, ये चना डालेंगे। हाँ, चने डालेंगे। चने और आलू कैसे डालेंगे हम? आलू पहले ये मिक्स कर ले, फिर हम, नहीं मिक्स नहीं, सब साथ में मिक्स हो जाएगा, कोई बात नहीं। अभी आलू को हम कैसे डालेंगे? आलू की एक सीक्रेट बताती हूँ मैं आपको। हाँ? आप कभी नाइफ से चाकू काट काट के मत डालिए इसमें। ओके। आपको हाथ से मैश करके डालना है। ओके। क्योंकि इसके जो मुंह में टुकड़े आते हैं, टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े, हाँ वो बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ, अभी डायरेक्ट डाल दोगी तो भी चलेगा। आप मैश कर लो। हाँ कर लो, ये मैश करिए। तो और गाइस, ये मेरी फर्स्ट कुकिंग है, तो छोले की फर्स्ट कुकिंग है, राइट। हाँ। छोले पहली बार बना रही हो तुम। ओके, अब डाल दो, चलेगा चलेगा बस? चलेगा। हाँ, पहले हाथ से निकाल लू सारे आलू, वेस्ट ना हो। तो अब हम डालिए सब को ये आलू। ये सब्जी की भी टेस्टिंग मम्मा ही करेगी। तो मुझे अच्छे से मिक्स करके, मम्मा चला दो ना, ज्यादा ज्यादा सब्जी है तो मुझसे हो नहीं रहा। ये देखिए हम चला रहे हैं, और भाई साहब रो रहे हैं पता नहीं क्यों, दूध तो पी लिया उसने। ये देखिए हम मिक्स, मुझे ज़्यादा है जो फर्स्ट टाइम है, तो मम्मा ने मम्मा को बोला, तो ये पता नहीं क्यों रो रहा है, दोनों सारे टॉयज नीचे गिरा दिए उसने। ये भैया, और अब हम इसे थोड़ी देर ढक के रख देंगे। मम्मा हो गया नहीं चलाना? हाँ, अब इसको ढक के रख देंगे, स्लो फ्लेम में थोड़ी देर रख देंगे। हाँ, तो अब हमारे सब कुछ मिक्स हो गया है, तो अब आप चाहो तो थोड़ी सी चीनी डाल सकते हो। हम कोई भी सब्जी हो उसमें हम थोड़ी सी चीनी, शुगर या गुड़ डालते हैं। हाँ, वैसे तो, लेकिन आज शुगर डाल दिए चलेगा, थोड़ी सी है तो कोई बात नहीं। गुड़ डालेंगे तो भी इतना पता नहीं चलेगा। अभी हम इसमें क्या डालेंगे? अब हम इसमें डालेंगे पानी। अगर आपका जूट ये डालो, पानी डालो, और अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा ज्यादा पानी नहीं, और चाहिए पानी, पूरा सूख जाएगा, और चाहिए पानी थोड़ा सा, और हाँ ये पूरा सूख जाएगा और एकदम थिक ग्रेवी हो जाएगी इसकी। बस हाँ, डाल दो वो सारा डाल दो। हाँ, अभी अच्छे से मिक्स करो, पकड़ो एक साइड से, पकड़ो अच्छे से मिक्स करो। वेरी गुड, ऐसे गोल गोल हिलाने से ना सब अच्छे से मिक्स हो जाता है। हाँ ठीक है, अभी इसको ढक के रख देंगे हम, 5 मिनट के बाद फिर देखेंगे हमारी ग्रेवी कैसे हुई। स्लो फ्लेम में ही रखेंगे, ओके, फिर 5 मिनट बाद दिखाते हैं आपको। तो ये हमारे छोले बन चुके हैं, ये देखिए कितना सुंदर कलर आया है, वो देखो। हम
ऑफ कर देंगे गैस को, ये देखिए ठीक है। और मम्मा इसके ऊपर हम थोड़ी सी डालेंगे कसूरी मेथी, हमारे कसूरी मेथी ओके। अब रेडी है हमारे छोले। और मम्मा थोड़ी टेस्ट करके बता दो। हाँ तो हम जब पूरा सर्व करेंगे पूरी के साथ तब टेस्ट करके बताएंगे ओके ओके।